हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि गूगल स्प्रेडशीट में रुपीस का सिंबल कैसे इंसर्ट करते हैं। बहुत ही आसान से स्टेप्स में समझेंगे। तो सबसे पहले हमें उन सेल्स को सेलेक्ट करना है जिसमें हम रुपीस का सिंबल ऐड करना चाहते हैं। तो अब मान लीजिए कि यहां से लेके यहां तक हमने ये सेल्स सेलेक्ट कर ली, ठीक है। जिन सेल को आप सेलेक्ट करेंगे सिर्फ उन्हीं में रुपीज का सिंबल ऐड होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने देखिए यहां से लेकर यहां तक सेल्स को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमको जाना है ऊपर के रिबन में फॉर्मेट टैब में, ये रहा फॉर्मेट टैब, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहां पर देखिए नंबर्स का ऑप्शन आपको यहां मिलता है, ठीक है। 1 2 3 दिया हुआ है, ठीक है। ये नंबर का ऑप्शन आपको मिलता है। यहां पर जब आप अपना कर्सर ले जाएंगे तो राइट साइड में देखिए यहां पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। और यहां नीचे देखिए ये रहा इंडियन रुपीज का ऑप्शन, ठीक है। तो इसको यहां से क्लिक कर दीजिए। तो अब हमने रुपी सेलेक्ट कर लिया है। अब यहां पर जो भी सेल सेलेक्ट है वहां पर जब भी आप कोई नंबर टाइप करेंगे, फॉर एग्जांपल यहां मैं 1 और 2 टाइप करूं, उसके बाद जब मैं कर्सर नीचे ले जाऊंगा तो ये देखिए रुपीज का सिंबल ऐड हो गया, ठीक है। उसी तरीके से अगले सेल में 2 4 टाइप करता हूं, जब कर्सर नीचे ले जाऊंगा तो देखिए रुपीज का सिंबल ऐड होता चला जाएगा इसी तरीके से।